हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज की सेशन में हम समझेंगे व्हाट इज एडी कोड। ओके, अथोराइज डीलर कोड। एडी मींस अथोराइज डीलर कोड। ओके, तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो एन एडी कोड इज ए 14 डिजिट कोड। ठीक है, एडी कोड कितने डिजिट का कोड होता है? 14 डिजिट कोड होता है, विच इज गिवन बाई बैंक वेयर द एक्सपोर्टर मेंटेन ए बिजनेस करंट अकाउंट। ठीक है, किसके द्वारा जाता है? बैंक के द्वारा, जहां पे एक्सपोर्टर अपने बिजनेस का करंट अकाउंट मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये बैंक कौन सी होती है? ऑथराइज डीलर बैंक कौन सी होती है? ऑथराइज डीलर बैंक वो बैंक होती है जिसको आरबीआई ऑथराइज करता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली आप एक एक्सपोर्टर हो तो आप ऐसी ही बैंक में अकाउंट खुलाओगे जो कि आरबीआई से ऑथराइज है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अथोराइज डीलर बैंक। ठीक है, जो कि इंटरनेशनल करेंसियों को एक्सचेंज करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक कोड मिलता है 14 डिजिट कोड। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो, ठीक है, यहाँ पर पेमेंट करोगे या आपके पास आएगी। ठीक है, तो उस पेमेंट को करने या लाने में, पेमेंट आने में जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिक, क्योंकि बाहर से पेमेंट आ रही है तो फॉरेन करेंसी आएगी, तो फॉरेन करेंसी अगर आ रही है तो उस फॉरेन करेंसी को हर कोई होल्ड नहीं कर सकता है। ओनली एंड ओनली द अथोराइज डीलर विच इज अथोराइज बाय द आरबीआई कैन होल्ड द फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो उस अथोराइज बैंक से आपको मिलेगा एडी कोड। ठीक है, दिस कोड इज प्रिंटेड विद अ बैंक लेटरहेड, कैन बी ऑब्टेन आफ्टर एक्सपोर्ट हैज रजिस्टर्ड फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आईसी बाय द डायरेक्टर ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड, दिस इज फॉर आइटम वैलिडिटी। ठीक है, अब ये मिलता कब है? ये आपको तब मिलता है जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड डीजीएफटी से ले लेते हो, उसके बाद आपको बैंक लेटरहेड पे लिख के दे देगी आपका अथोराइज डीलर कोड, जो कि आप जब भी एक्सपोर्ट करोगे तो शिपिंग बिल में मेंशन करना होगा, जब भी इंपोर्ट करोगे तो शिपिंग बिल में मेंशन करना होगा। ठीक है, ये हो गया एडी कोड, ऑथराइज डीलर कोड, जो कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, एक ही बार आपको देना होता है। ठीक, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किसके द्वारा इश्यू होता है? ये इश्यू होता है बैंक के द्वारा, तो बैंक इसको इश्यू करती है। ठीक है, बैंक इसको इश्यू करती है और वो एडी कोड हमें फिर हमें आइस गेट में रजिस्टर करना होता है। ठीक है, और वो होता है लाइफ टाइम के लिए, वो बार बार नहीं होता है। एंड मैंडेटरी फॉर जनरेटिंग शिपिंग बिल नंबर कस्टम क्लियरेंस एंड रिसीव बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब शिपिंग बिल जनरेट होगा तो वहाँ पे आपको इसको यहाँ से आइस गेट से रजिस्टर करवा लोगे आप, तो फिर ये आपका शिपिंग बिल पे जनरेट होगा, जो भी बेनिफिट होंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के वो आपके अकाउंट में आते रहेंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या होगी, आपका जो मेन ट्रांजेक्शन होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो सिर्फ ऑथोराइज डीलर ही कर सकती है। तो इस प्रकार से बैंक का ये ऑथोराइज डीलर कोड हमें इश्यू होते हैं, जो कि आपकी जो बैंक है वो आपको इश्यू करती है लेटरहेड पे। सो गाइज, आज के सेशन में हमने समझा कि व्हाट इज एडी कोड, ऑथोराइज डीलर कोड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।